Hello students. Now today we will complete the data frame of class 12th informatics practices. Now, in this data frame, which all questions are asked in board exam, like how to create a data frame, all the different functions of data frame. So one by one we will do all now. The structure of a data frame, you know what is rows, all the records, and what is column. For row index, we will use access equals to zero. For column index, we will use access equals to one. And the data are all stored in this structure that is in this table in this data frame now by default these values 0 1 2 3 4 is given by the computer if you want to give your specific index then that you have to mention so we will go through the portion now what is a data frame a data frame is a two dimensional एज इट हैज रोज एंड कॉलम्स बोथ डेटा स्ट्रक्चर इन द पाइथन पांडा लाइब्रेरी विच स्टोर हेट्रोजीनियस डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा इन डिफरेंट कॉलम्स डेटा फ्रेम एक टेबुलर के जैसे टेबल की तरह दिखता है टेबुलर स्ट्रक्चर है और टू डायमेंशनल है जिसमें रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं तो इसके लिए इसको टू डायमेंशनल बोला गया है विथ स्टोर्स हेटरोजीनियस हेट्रोजीनियस का मतलब है अलग अलग डेटा टाइप्स के डेटाज को स्टोर करता है अलग अलग कॉलम्स में जैसे मार्क्स में खाली मार्क्स को स्टोर करेगा नेम में खाली नेम को स्टोर करेगा तो ये टेबल येगांटेन्स लेबल्ड एक्सेस रोज एंड कॉलम्स अलग रोज होते हैं कॉलम्स अलग होते हैं द रोज आर ऑल्सो नोन एज एक्सेस इक्वल्स टू जीरो जब रोज को एक्सेस करना होता है हम एक्सेस इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे एंड द रो लेबल्स आर ऑल्सो नोन एज इंडेक्स रो में यहाँ पे लेबलिंग कर सकते हैं या फिर बाई डिफॉल्ट लेबलिंग होता है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं द कॉलम्स आर ऑल्सो नोन एज एक्सेस इक्वल टू वन जब कॉलम को एक्सेस करने के लिए बोला जाएगा तब एक्सेस इक्वल टू वन इसका एक क्वेश्चन आता है एक्सेस इक्वल्स टू वन और एक्सेस इक्व टू जीरो इसको इम्पोर्टेंट करके आप कॉपी में लिख लें रो के लिए एक्सेस इक्व टू जीरो और कॉलम के लिए एक्सेस इक्व टू वन

के सारे डेटास को देखेंगे जैसे मार्क्स है अगर तो वो एक ही डेटा टाइप के सारे मार्क्स ही रहेंगे अगर नेम है तो सारे वो नेम ही रहेंगे और अलग अलग कॉलम्स के अलग अलग डेटा टाइप्स हो सकते हैं डेटा फ्राइम इज़ साइज म्यूटेबल साइज म्यूटेबल का मतलब है उसका साइज़ हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं म्यूटेबल का मतलब है कैन बी चेंजड एंड डेटा म्यूटेबल डेटा को भी हम चेंज कर सकते हैं तो साइज म्यूटेबल का मतलब है कैन बी चेंज्ड हम चेंज कर सकते हैं इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और डेटा म्यूटेबल मतलब डेटास को भी हम चेंज कर सकते हैं फॉर यूजिंग द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट वी मस्ट import द पांडास लाइब्रेरी by यूजिंग द स्टेटमेंट import pandas एस pd। जब भी हम डेटा फ्रेम का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं हमेशा इंपोर्ट पांडास लिखते हैं अगर नेम देना है तो इंपोर्ट पांडास एस pd करके हम दे सकते हैं एलियासनेम इसके बाद क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करेंगे द डेटा फ्रेम मेथड इज प्राइमरीली यूज टू क्रिएट डेटा फ्रेम हम डेटा फ्रेम की से ऐसे लिखते हैं डी कैपिटल एफ कैपिटल लिख के हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं इट कैन एक्सेप्ट डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट्स देर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम क्रिएशन का दो से तीन मार्क का क्वेश्चन आता ही है कि एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करो ये आएगा ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर में डेटा फ्रेम को क्रिएट करना उसके फंक्शंस को यूज करना ये सारे क्वेश्चंस आएंगे ही तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब कैसे क्रिएट किया जाता है कुछ नहीं करना है क्रिएट करने के लिए हमको खाली पांडास डॉट डेटा फ्रेम अगर एलियास नेम यूज कर रहे हो पी तो पी डी डॉट डेटा फ्रेम लिखना पड़ता है जिसका डी और एफ कैपिटल होता है तो क्रिएटिंग एन एम डेटा फ्रेम अगर खाली डेटा फ्रेम बनाना है तो खाली इम्पोर्ट पांडास लिख के फिर df एफ इक्वल्स टू पांडास डॉट डेटा फ्रेम लिख सकते हैं या फिर अगर एलियास नेम देना है तो इम्पोर्ट pandas एस पी डी हमने एलियास नेम पी डी दिया है तो यहाँ पे हम एक किसी डेटा फ्रेम में स्टोर कर रहे हैं सपोज डी एफ वन हमने नाम दिया है उस डेटा फ्रेम का इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि डी और एफ कैपिटल होगा और इसके बाद हमको उसको प्रिंट करा है तो ये एम टी डेटा फ्रेम है खाली है कुछ उसमें डेटाज नहीं है डेटाज डालने के लिए हम या लिस्ट से या फिर डिक्शनरी से या यूजर से लेकर हम बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स आर देयर टू మేక్ అ డేటా ఫ్రేమ్ టు క్రియేట్ అ డేటా ఫ్రేమ్ అలగ అలగ్ మెథడ్స్ సే బనాయేంగే తో యే డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేషన్ కా ఏక్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఆతా హై కి ఏక్ డేటా ఫ్రేమ్ కో క్రియేట్ కరో డేటా ఫ్రేమ్ دیا రహతే హై టేబుల్ బన రహతా హై బోర్డ్ కా క్వశ్చన్ పేపర్ జబ్ హం దేఖేంగే తో usme 3 మార్క్ కే క్వశ్చన్ మే కా పహలా క్వశ్చన్ హి యే రహతా హై క్రియేటింగ్ అ డేటా ఫ్రేమ్ ఫ్రమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఏక్ లిస్ట్ సే उसके अंदर दूसरे नेस्टेड लिस्ट बने हुए हैं कुछ भी नहीं करना है हमको इंपोर्ट पांडास लिखना है उसके बाद एक लिस्ट को क्रिएट करना है एक एल करके लिस्ट में डेटास डाल देंगे अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है डायरेक्टली डाल देंगे और यहाँ पे बस खाली सेम आंसर लिखेंगे पी डी डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट में खाली लिस्ट को डाल देंगे अगर कॉलम का नाम चेंज करना है जैसे यहाँ पे नेम और एज डालना था तो कॉलम का नाम हम चेंज कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्टली वो वैल्यूज को डाल देगा बिना कॉलम्स के तो यहाँ पे अच्छा रहेगा कि हम कॉलम का नाम डाल दें इसलिए कॉलम और प्रिंट करने के लिए डायरेक्टली प्रिंट डी एफ वन भी लिख सकते हैं या फिर डी एफ वन का वैल्यू है करके लिख सकते हैं नेक्स्ट डिक्शनरी से बनाने के लिए हमको एक डिक्शनरी बनाना पड़ेगा डिक्शनरी कैसे बनाते हैं जिसमें की रहता है और कोलन करके उसके वैल्यूज रहते हैं तो यहाँ पे नेम कोलन सारे वैल्यूज नाम दिए हुए हैं और एज कोलन सारे एज दिए हुए हैं तो डायरेक्टली हम इसको डी करके पी डॉट डेटा फ्रेम और उसमें कुछ नहीं करना है खाली ये डिक्शनरी के नाम को अगर लिस्ट से बना रहे हैं तो लिस्ट का नाम आ जाएगा डिक्शनरी से बना रहे हैं तो डिक्शनरी का नाम आ जाएगा अब जब यू रन कराएंगे तो इसमें डायरेक्टली ये तो एरे फॉर्म से बनाया गया है तो डिक्शनरी फॉर्म्स के लिए खाली इतना लिखना है ये क्वेश्चन पेपर में पिछले बार आया हुआ था सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है तो उसमें हमको एक डिक्शनरी से बनाने के लिए बोला गया तो एक डिक्शनरी बना के हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेंगे फिर अगर एरे से बनाने बोलेंगे तब हम एरे को या तो यूजर से ले लेंगे या डायरेक्टली वैल्यूज डाल देंगे वैल्यूज डालने के बाद हमने यहाँ पे एरे से डिक्शनरी बना के फिर सेम मेथड जैसे ऊपर लिखा हुआ है डिक्शनरी से हमने डेटा सेम सीरीज़ बना से बनाने बोलेंगे तो हम सीरीज से एक डिक्शनरी बना लेंगे और फिर उस डिक्शनरी को तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये मेन लाइन है डेटा फ्रेम बनाने का जिसमें या तो एल लिखेंगे एल के वैल्यूज लिस्ट अगर है तो हमने अगर उस लिस्ट का नाम एल दिया है तो एल लिखेंगे अगर डिक्शनरी है तो डिक्शनरी का नाम देंगे अगर हमने एरे से डिक्शनरी बनाया है तो भी डिक्शनरी का नाम से हमने यहाँ पे डिक्शनरी के नाम से बनाया तो यहाँ पे हम डिक्शनरी नॉर्मली डालते हैं या फिर लिस्ट डालते हैं तो ये हमारा डिक्शनरी से हमारे तीनों मेथड से बन गया अब इसमें लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से अगर हमको बनाना है सपोज एक लिस्ट दिया हुआ है जिसके अंदर डिक्शनरी है और डायरेक्टली हम उस लिस्ट का नाम D1 डाल रहे हैं उसको डीवन यहाँ पर डाल देंगे तो हमारा डेटा फ्रेम बन जाएगा तो डेटा फ्रेम यहाँ पर बनाने के अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं सारे मेथड्स सेम हैं खाली हमको इनपुट जो लेना है वो या तो लिस्ट या डिक्शनरी या सीरीज़ या एरेज फॉर्म में लेना है और उसके बाद हम उसका नाम जो भी नाम हम ऊपर लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ डाल देंगे बाकी ये सेम है हर जगह ऊपर इंपोर्ट पांडाज एस पी डी और पी डी डॉ फ्रेम ये हर जगह सेम है और तो ये दो मार्क्स सबको आराम से मिल जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में दो मार्क का क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी एंड स्पेसिफाइंग रो एंड कॉलम इंडेक्स रो और कॉलम इंडेक्स के लिए हमने अभी देखा एक्सेस इक्वल्स टू हम जीरो लिखते हैं रो के लिए और एक्सेस इक्वल्स टू वन लिखते हैं हम कॉलम के लिए और अगर हमको मेंशन करना है कि क्या रो में डालना है जब हम क्रिएट कर रहे हैं तब अगर इंडेक्स डालना है हमको तो हम इंडेक्स करके हम क्या इंडेक्स डालना चाहते हैं या कॉलम में क्या डालना चाहते हैं नाम सपोज मैंने एक टेबल बनाया है जिसका मैं कॉलम का नाम नेम और एज डालना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं कॉलम स्लिक के नेम कॉमा एज डालना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा डलता है ये और अगर नेम एज मार्क्स डालना है तो यहाँ पे नेम एज मार्क्स डलेगा वैसे इंडेक्स जो है ये जो इंडेक्स है इसके वैल्यूज बाय डिफॉल्ट ज़ीरो वन होते हैं जीरो वन टू थ्री फोर अगर मेरे को अपना इंडेक्स डालना है तो मेरे को इंडेक्स इक्वल्स टू करके ये लिखना पड़ेगा बाकी यही कमांड है पी डी डॉट डेटा फ्रेम और किससे बन रहा है डिक्शनरी से बन रहा है, है? लिस्ट से बन रहा है ये सेम है हर जगह तो यहाँ पे हमने इंडेक्स डाल दिया है और कॉलम्स बना दिया है अब इसमें सीएसपी फाइल से डेटा फ्रेम बनाना ये एक क्वेश्चन आता है रीड सी एस वी और टू सी एस वी ये एक द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वन मार्क का क्वेश्चन आता है सी एस पी फाइल से जब डेटा फ्रेम बनाते हैं रीड सी एस वी से सी एस पी से डेटा फ्रेम बनता है और टू सी एस वी से उल्टा जस्ट पाइसी वर्सा डेटा फ्रेम से सी एस वी बनता है तो यहाँ पे हम रीड सी एस वी अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा कि एक सी एस वी से डेटा फ्रेम बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है रीड अंडर स्कोर सी एस वी और वैसे ही जब हम उल्टा डेटा फ्रेम से सी एस वी बनाएंगे तब हम टू अंडर स्कोर सी एस वी करके सी एस वी फाइल बनाएंगे मैं इसका ये कंटेंट में डिस्क्रिप्शन में डालने का कोशिश करती हूँ नहीं तो बाद में मैं लिंक को शेयर कर दूंगी नेक्स्ट इज दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेटा फ्रेम नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल कम ऑफ डेटा फ्रेम इन आवर सीबीएसई सो बोथ द थिंग्स यू जस्ट प्रिपेयर इट नाइसली बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन आर आर्ज फ्रॉम डेटा फ्रेम ओनली कॉमन प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम्स सारे प्रॉपर्टीज इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स इंडेक्स कॉलम एक्सेस डेटा डी टाइप साइज शेप एंड डायमेंशन हाउ मेनी डायमेंशन आर देयर एम्प्टी और नॉट टी ट्रांसपोज के लिए यूज करेंगे लेंथ के लिए यूज लेंथ के लिए लेंथ यूज करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ नाम से ही समझ में आ जा रहा है इंडेक्स जब हम अभी दे रहे थे तब हम इंडेक्स इक्वल्स टू करके इंडेक्स मेंशन कर रहे थे जब कॉलम्स दे रहे थे अगर मेरे को देखना है इस डेटा फ्रेम के इंडेक्स कौन कौन से है तो डी एफ वन डॉट इंडेक्स करके मैं इंडेक्स को देख सकती हूँ डी एफ जो भी डेटा फ्रेम का नाम है डी एफ अगर है तो डी एफ डॉट कॉलम्स करके मैं सारे कॉलम्स के नाम को देख सकती हूं. हूँ एक्सेस को देखने के लिए मेरे को डीएफ डॉट ए यूज करना पड़ेगा डेटा टाइप्स को देखने के लिए डीएफ डॉट डी टाइप यूज करना पड़ेगा साइज को देखने के लिए डीएफ डॉट साइज शेप के लिए डीएफ डॉट शेप डायमेंशंस कितने हैं टू नॉर्मली टू डायमेंशन होते हैं तो टू दिखाएगा वो एम है कि नहीं ट्रू या फॉल्स इसके लिए डी एफ डॉट एम टी डालेंगे नेक्स्ट ट्रांसपोज रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाने के लिए ट्रांसपोज यूज़ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें डी एफ डॉट कैपिटल टी लिख देने से ट्रांसपोज हो जाता है यहाँ पे जो रो में था वो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम में था वो रो बन जाता है लेथ यूज करते हैं हम लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम के लिए अब उसके ऑपरेशंस कौन कौन से ऑपरेशंस हैं हम उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए डेटा फ्रेम का नाम यूज होता है और स्क्वायर ब्रैकेट में किस कॉलम को एक्सेस करना है वो कॉलम का नाम यूज होता है सपोज मेरे को कोई एक पर्टिकुलर कॉलम खाली मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दिखाना है तो मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम का जो भी नाम दिया रहेगा वो लिखूंगी और स्क्वायर ब्रैकेट में मार्क्स इसको प्रिंट के साथ यूज करने पे वो प्रिंट हो जाएगा जैसे यहाँ पे प्रिंट डीएफ डॉट स्टूडेंट में बच्चों के नाम स्टूडेंट्स के नाम डिस्प्ले हो गए हैं वैसे ही प्रिंट में अगर डी एफ डॉट मार्क्स लिखेंगे तो सब बच्चों के मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग एक्सेसिंग मल्टीपल कॉलम्स जब एक से ज़्यादा कॉलम हमको डिस्प्ले कराना है तब यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है और कॉलम्स के नाम को कॉमा सेपरेटेड के साथ डाला जाता है बीच में कॉमा रहता है और जो भी कॉलम्स आपको देखने हैं उसको आप डाल सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्टिंग सबसेट ऑफ रोज कॉलम्स फ्रॉम डेटा फ्रेम यूजिंग रो नेम एंड कॉलम नेम नाउ इन दिस वी आर डिस्प्लेइंग द रोज एंड कॉलम्स सबसेट मतलब पूरे एक सेट का एक पार्ट तो एक टेबल का अगर पार्ट हमको कहाँ से कहाँ तक कौन कौन से देखने हैं वो हम एल करके देख सकते हैं इसमें तो ये सबसेट हो गया नेक्स्ट सिलेक्शन सबसेट ऑफ रोज कॉलम्स यूजिंग रो नंबर्स एंड कॉलम नंबर्स ये आई एल करके स्लाइसिंग करके हमने ये पिछले वीडियो में किया ही हुआ था स्लाइसिंग वाला वीडियो जो था डेटा फ्रेम का उसमें हमने ऑलरेडी ये यूज किया है आई एल ओ सी करके रो का कहाँ से कहाँ तक और कॉलम का कहाँ से कहाँ तक